पूरी YouTube पे गाइज इस तरह के वीडियो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, और अगर देखने को मिलते हैं तो उस बंदे ने आपको चूतिया बनाया, क्योंकि दोस्तों उसको यहाँ पे पता है कि वेपन ग्लोरी नाम की कोई चीज होती है, तो वो यहाँ पे आपको बोल देता है पर किल पे आपको 20 मिलेगा, आप हेडशॉट से किल करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, बट ऐसा मेरे भाई कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरा वेपन ग्लोरी हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक गेम के अंदर 600+, तो यहाँ पे हर एक गेम के अंदर आपका 500, 600 आराम से 700, 800 प्लस कर सकते हो। तो इसी तरह से हर एक गेम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा प्लस करने के लिए आपको क्या जरूरी है, आपका वेपन ग्लोरी कैसे प्लस होता है, वो सारा सब कुछ डिटेल इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप वेपन ग्लोरी कर रहे हैं तो आपको पहले तो तय करना पड़ेगा कि आप भाई कौन सी गन के ऊपर वेपन ग्लोरी कर रहे हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि भाई आप कौन सी गन अच्छे से चला सकते हैं। फिर दोस्तों आपको देखना होगा कि जिस गन को आपने सिलेक्ट किया है वो वाली गन आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में और इंडिया के अंदर कहाँ पे, यानी दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हो, अपने स्टेट में करना चाहते हो या फिर इंडिया में करना चाहते हो, तो इन दोनों को देखना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा जिस गन से आप सिलेक्ट कर रहे उस गन के अंदर कंपटीशन कितना है, ठीक है, कितना ग्लोरी करने पे आप आगे बढ़ सकते हो। ये सब देखने के बाद गाइस आपको क्या करना है, गेम के अंदर जाना है, और गेम के अंदर जाने के बाद जो आपने गन सिलेक्ट किया है वह तो पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई हमारे 3-4 मैप है, वो मैप के अंदर वो वाली गन कैसे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात कर लीजिए, ये मेरा AK का गन है, ठीक है, तो AK का जो गन है वो मुझे मशीन से मिल जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पे AK में ऑलरेडी मैं मंडे तक रीजन कर लूंगा और टॉप 10 आ जाऊंगा। तो गाइस जब भी मैं पहले उतरता तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 100 टोकन फाइंड करता हूँ। 100 टोकन जैसे ही मुझे मिलता है तो सबसे पहले मेरा काम रहता है AK को परचेज करना, उसके बाद उसके अंदर सब एटमिशन सेटिंग लगा लेता हूँ एंड उसके बाद किल करना स्टार्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, किल से ऐसा नहीं होता। अब देखो मेन बात आती है कि भाई वेपन ग्लोरी कैसे बढ़ता है, 3 ऐसे मेन चीज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वेपन ग्लोरी। अब देखो सोलो के अंदर खेल रहे हो, डीओ के अंदर खेल रहे हो और स्क्वाड के अंदर खेल रहे हो, इन तीनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट किसके अंदर रहेगा, सोलो के अंदर, ठीक है। जैसे ही आप डीओ के अंदर खेलोगे तो आपको बेनिफिट नहीं रहेगा, आपको स्कोर के अंदर भी ज्यादा बेनिफिट रहेगा, लेकिन आपको डीओ में कभी भी वेपन ग्लोरी नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखो आपने गन लिया, उस गन से आपको क्या करना पड़ेगा, किल करेगा। अब देखो यहां पे सबको यह पता है कि भाई एक किल करोगे तो आपको 20 का प्लस मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, यहां पे 20 का प्लस मिलेगा, यह बात सही है, और जैसे आप हेडशॉट से किल करोगे तो आपको 30-35 का मिलेगा, बट यहां पे आपको डैमेज भी ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ पे आपने 5 किल कर लिया, 100 का ग्लोरी हो गया, ठीक है, यहाँ पे 5 किल पे 100 का ग्लोरी मिलता है, ये सबको बात पता है, बट गाइस 5 किल करने के बाद अगर आप मर जाते हो तब आपका कभी नहीं होगा। डीओ के अंदर अगर आप टॉप 10 के अंदर आते हो ना भाई, टॉप 10 के अपर आते हो, तो आपका कभी भी प्लस नहीं होगा, आपके 5 किल हो, 7 किल हो या फिर 8 किल हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है तीसरी बात है, वो है कि आपका गेम प्ले के ऊपर डिपेंड करता है, आपका गेम का परफॉर्मेंस कितना था उस गेम के अंदर, आपने टॉप 2 किया 3 किया 4 किया 5 किया, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप डीओ खेल रहे हैं तो टॉप 5 के अंदर कीजिए, फिर आप सोलो खेल रहे हैं तो टॉप 10 के अंदर कीजिए, और आप स्कोर खेल रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा टॉप 5 के अंदर। अब जैसे दोस्तों आप टॉप 5, टॉप 7 ऐसे ऐसे गेम का परफॉर्मेंस आपका होगा ना, जैसे आप टॉप 1 करोगे ना, बुया करोगे, तो बुया में लास्ट में आप कोई भी गन लेके सिर्फ 2 किल करोगे ना, तब भी आपका वेपन ग्लोरी पूरा के पूरा 100 मिलेगा। तो कहने का मतलब देखो गाइस, वेपन ग्लोरी के अंदर आपको किल भी करना है, डैमेज भी देना है एंड अपने गेम का परफॉर्मेंस भी करना है। यानी दोस्तों आपको सोलो के अंदर हो तो आपको टॉप 5 के अंदर आना है, डीओ के अंदर हो तो तब भी आपको टॉप 5 के अंदर आना है, और स्कोर के अंदर हो तो आपको टॉप 10 के अंदर आओ तो हो जाएगा सोलो और स्कोर के अंदर, बाकी भाई डीओ खेल रहे हो तो टॉप 5 के अंदर आना ही पड़ेगा और 5 किल करना ही करना है। तो आई थिंक दोस्तों आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको मिलूंगा दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।